बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं ईशान सलीम, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। आज जी हम अपनी गंदम की हार्वेस्ट करेंगे। थ्रेशर जो है वो खेत में आ चुकी है और बाकी ट्रॉली और ट्रैक्टर भी हम ले आए हैं जिसमें गंदम के दाने डालेंगे। इधर हमारा 1.5 एकड़ है गंदम का, बांध के रखी हुई है सब। तो अभी शुरू करेंगे। सूरज अभी ग़ुरूब होने को है कुछ टाइम तक और ये व्यू है माशाल्लाह। गंदम का सीज़न है तो हमने सोचा कि जल्द से जल्द अपनी गंदम की हार्वेस्ट कर लें। मौसम भी काफ़ी ख़राब है, कहीं बारिश ना आने लग जाए। सुबह से तो हवा चल रही थी लेकिन अभी कुछ हवा भी थम चुकी है। थ्रेशर का मुंह इस तरफ किया है ताकि इधर कोई भूसा वगैरह जाए सब, जिधर हवा का रुख है। इधर रही हमारी गाड़ी फीएट 480 और पीछे ट्रॉली, और इधर थ्रेशर जो के किराया पर हम लेकर आए हैं, और ट्रैक्टर भी आ गया है वो भी 480 फीएट ही है। भी अल्हम्दुलिल्लाह थ्रेशर चल चुकी है। 2 से 3 घंटे लगेंगे इंशाल्लाह, हम फ्री हो जाएंगे। रात के जी 10 बज चुके हैं और अभी तक थ्रेशर चल रही है। एंड पे यह गंदम हमारी कुछ थोड़ी रह गई है अभी हार्वेस्ट होने वाली।
बाकी ट्रैक्टर अपने जोरों शोर के साथ थ्रेशर को चलाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी गंदम की हार्वेस्ट हो गई मुकम्मल। अभी गंदम का लेकर जाएंगे ट्रॉली पे, मशीन वाले भैया जा चुके हैं